लोगो को शो के लिए अर्पिता की जरूरत है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसके लिए ऋत्विक उसकी शर्त को भी मान लेगा। अर्पिता को ऐसे लगता है कि जैसे उसने एक बड़ी जंग जीत ली हो। वो मन ही मन खुश होती है और सोचती है कि ऋत्विक इतना भी खड़ूस नहीं है जितना वो समझती है। तभी वेटर अर्पिता की आइसक्रीम ले आता है। अर्पिता आइसक्रीम का बोल ऋत्विक के सामने सरकाती है और बोलती है, आइसक्रीम? ऋत्विक खड़े होते हुए कहता है, जीत के बाद सागरिका तुम्हारी बॉस नहीं होगी, पर मैं तो रहूंगा और मैं ऑफिस आवर्स के बाहर अपने एम्प्लॉयज के साथ पर्सनल लंच या डिनर पर नहीं जाता। सो सी यू टुमारो इन ऑफिस मिस अर्पिता। और ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से निकल जाता है। अर्पिता खुद से कहती है, अच्छा जी, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। पर कोई बात नहीं, अर्पिता को भी बिल्ली के गले में घंटी बांधना अच्छे से आता है। पर एक बात तो तय हो गई है, हो सकता है कि एक दिन नदिया उल्टी बहने लग जाए, पर ये खड़ूस हमेशा खड़ूस ही रहेगा। अर्पिता कैब लेके घर पहुंच जाती है। सोसाइटी के गार्डन में कुछ औरतें खड़ी होती हैं। उनमें से एक अर्पिता को जानी पहचानी लगती है, पर अंधेरे में अर्पिता श्योर नहीं हो पाती है कि वो वही है क्या, इसलिए वो धीरे कदमों से चलते हुए उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी आवाज आती है, हाँ हाँ मैं ही हूँ, आ जाओ। वो आवाज सुनने के बाद अर्पिता मुस्कुराती है और दूर से हाथ हिलाती है। फिर वो उन औरतों के पास चली जाती है। हाय रोहिणी, अंधेरे में ना ठीक से समझ ही नहीं आ रहा था इसलिए ऐसे देख रही थी, कैसी हो और चिंकी कैसी है? अर्पिता ने कहा। समझ गई थी मैं, इसलिए तुम्हें आवाज लगा दी। मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ यार, और चिंकी भी बढ़िया है। वो देखो वहाँ खेल रही है अपने पापा के साथ। मुझे लगा जब तक बाप बेटी बिजी हैं, मैं तब तक जरा सोसाइटी के बारे में जी के बढ़ा लूं अपनी। रोहिणी ने हंसते हुए कहा। रोहिणी की बात सुनकर अर्पिता और वहां खड़ी बाकी औरतें भी हंसती। रोहिणी अर्पिता की बिल्डिंग में ही उसके नीचे वाले फ्लोर पर रहती है, और जैसा कि रोहिणी ने खुद ही बताया कि उसे अपनी जी के मजबूत करने का शौक है, मतलब सोसाइटी की गॉसिप क्वीन है वो। सोसाइटी में किसने क्या किया, कौन कहां गया और किसका किसके साथ चक्कर है, रोहिणी को सब पता होता है। चिंकी उसकी 3 साल की बेटी है, बहुत ही प्यारी है वो। दरअसल अर्पिता की रोहिणी से मुलाकात भी चिंकी की वजह से ही हुई थी। इतनी प्यारी बच्ची को देखकर अर्पिता का उससे बात करने का मन हो गया, तो बेटी के साथ माँ से भी दोस्ती हो गई। अर्पिता, ये दीक्षा, ये प्रियंका, कविता और नीलम, रोहिणी ने अर्पिता को सबसे मिलवाते हुए कहा। और ये है अर्पिता, अभी 3-4 महीने ही हुए हैं इसकी शादी को, यहाँ 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुई है, दोनों अकेले ही रहते हैं, इसलिए फुल ऑन हनीमून पीरियड चल रहा है इसका। रोहिणी ने अर्पिता को छेड़ते हुए कहा। अर्पिता ने मन में सोचा, मेरी सेक्स लाइफ के आकार के बारे में अब इन्हें क्या ये बताऊं? पर वो जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, हाँ एकदम फुल ऑन। रोहिणी ने अर्पिता से कहा, आजकल दिखती नहीं हो ज्यादा, जॉब वॉब ज्वाइन कर लिया है क्या कहीं? एक दो बार देखा तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के साथ सुबह जाते हुए। ओ हाँ, एक वाटर प्यूरिफायर की कंपनी का कॉल सेंटर ज्वाइन किया है, घर में बोर हो रही थी तो सोचा कर लूं। अर्पिता ने जवाब दिया, अरे बढ़िया किया तुमने तो, इस बहाने थोड़ा बाहर तो निकल पाती हो, वरना मुझे देखो दिन भर घर में ही घुसे रहो, घर परिवार संभालते रहो। रोहिणी ने शिकायती अंदाज में कहा। अर्पिता, तुम आई उससे पहले हम कविता के बारे में बात कर रहे थे, तुम बताओ अगर तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा होता तो तुम क्या करती? रोहिणी ने अर्पिता से पूछा। अचानक आए ऐसे सवाल से अर्पिता सकपका गई। उसे लगा जैसे उसका सच आ गया हो सबके सामने, उसके मुंह से शब्द नहीं निकले।
फिर वो खुद को थोड़ा संभाल कर बोली, मैं छोड़ती नहीं उसको। मैंने भी कविता को ना यही बोला कि छोड़ना मत अपने पति को। मर्दों को जितनी ज्यादा ढील दो ना उतनी ज्यादा पतंग काटते हैं वो, और फिर उन्हें वापस समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कविता है ना, इसके पति पर इसे शक है। ऑफिस से मीटिंग का बहाना बनाकर लेट आता है, इससे झूठ बोलता है, फोन पर घंटों टेक्स्ट मैसेज करता रहता है, और 2-3 बार तो इसे अपने पति की शर्ट से किसी लेडीज परफ्यूम की महक भी आ रही थी। मैं तो इसे बोल रही हूँ कि उसका ना पक्का कहीं चक्कर चल रहा है, और इसे पता करना चाहिए कि क्या माच रहा है। रोहिणी ने कविता की प्रॉब्लम पर अपना फैसला सुनाया। अर्पिता का तो जैसे सिर ही घूम गया। उसे लगा जैसे वहां उसी की प्रॉब्लम डिस्कस की जा रही थी। वो वहां अनकंफर्टेबल फील करने लगी, इसलिए बोली, मैं ना चलती हूँ, थक गई हूँ, रेस्ट करूंगी थोड़ा। ओ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हारे हस्बैंड वेट कर रहे होंगे तुम्हारा, थकान वो ही तो उतारेंगे तुम्हारी, रोहिणी अर्पिता की टांग खींचते हुए बोली। अरे नहीं, वो तो अभी ऑफिस से लेट आएंगे, मीटिंग है ना उनकी, अर्पिता अपने चेहरे पर डिस्कम्फर्ट छिपाते हुए बोली। लेट? अर्पिता देख लेना, कहीं कविता जैसा मामला तो नहीं है। रोहिणी ने फिर से अर्पिता को छेड़ा। अर्पिता कुछ बोल नहीं पाती, तभी रोहिणी कहती है, अरे अरे, मैं मजाक कर रही हूँ यार, जा जा रेस्ट कर। अर्पिता बस बोलकर निकल जाती है। वो जाते जाते रोहिणी की बात सुनती है। रोहिणी कविता से कह रही होती है, तू ना हल्के में मत ले, हो सके तो जासूसी लगा दे अपने पति के पीछे। अर्पिता जाते जाते सोचती है, पागल ही औरत, कुछ भी बोल रही है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन अर्पिता क्यों झूठ बोल रही है अपने आप से? तुझे भी तो गौरव पर शक है, इसका मतलब मुझे भी गौरव के पीछे जासूस लगा देना चाहिए। पापा जी, प्लीज प्लीज हेल्प पापा जी। गौरव को आने में रात के 1 बज जाते हैं, और उसके आते ही अर्पिता की जासूसी शुरू हो जाती है। काफी लेट तक चली तुम्हारी मीटिंग? अर्पिता ने गौरव से पूछा। हाँ, वो बाहर से कुछ सीनियर्स आए थे तो उनसे लेट तक मीटिंग चली, और फिर वहीं ऑफिस में डिनर कर लिया। गौरव ने अर्पिता से बिना नजर मिलाए जवाब दिया और सीधा किचन में घुस गया। तुम तो खाना खाकर आए हो ना, फिर किचन में क्यों जा रही हो? अर्पिता ने पूछा। तो अब आदमी पानी भी ना पिए? गौरव ने रसोई से ही चिल्लाते हुए बोला। पानी यहाँ टेबल पर रखा तो है, अर्पिता ने जवाब दिया। मुझे फ्रिज का ठंडा पानी पीना था, अब बोलो। और तुम क्या मेरी जासूसी कर रही हो? मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? गौरव ने रसोई से बाहर निकलकर कहा। अर्पिता को लगा कि कहीं गौरव को शक ना हो जाए, इसलिए वो बात संभालते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है कि मुझे बता दो क्या काम है, मैं कर देती हूँ, तुम थक गए होगे ना? तुम तो बस इतनी सी हेल्प कर दो कि आगे से हवाई रोटी मत बनाना बस। ऑफिस में आज सब मेरा लंच बॉक्स देखकर हंस रहे थे मुझ पर, गौरव ताना मारते हुए बोलता है। अर्पिता ने कुछ नहीं बोला, बस गौरव को घूर कर देखा। कपड़े चेंज करके गौरव फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है तो अर्पिता पहले उसका फोन उठाकर देखने लगती है, पर फोन में लॉक होने की वजह से अर्पिता कुछ देख नहीं पाती। फिर वो गौरव की शर्ट और पैंट की जेबें चेक करती है, पर उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। वो सोचती है कि उसे कुछ और ही तरीका निकालना पड़ेगा सच पता करने का। अर्पिता पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। फ्रिज खोलते ही सामने मिठाई का डब्बा देखकर उसे याद आता है कि ये तो 4 दिन पहले पड़ोस वाली आंटी दे गई थी, अपने घर की पूजा का प्रसाद। अरे यार, इसे तो भूल ही गई, अब तक तो खराब ही हो गई होगी ये, अर्पिता खुद से बोलती है। वो जैसे ही डिब्बा खोलती है तो देखती है कि मिठाई पर फफूंद आ गई है। वो डिब्बा डस्टबिन में फेंकने लगती है कि अचानक उसकी नजर डस्टबिन में पड़े एक पेपर पर जाती है। मैंने तो अभी रात को ही नया बैग लगाया था इसमें, उसके बाद मैंने तो कोई कचरा भी नहीं डाला। जरूर गौरव ने डाला होगा,
इसे फेंकने आया होगा वो रसोई में। आखिर ऐसा क्या है कि उसने घर में घुसते ही इसे फेंक दिया? अर्पिता ने वो कागज डस्टबिन से बाहर निकालते हुए बोला। कोई और दिन होता तो शायद अर्पिता इस कागज पर इतना ध्यान भी नहीं देती, लेकिन आज रोहिणी की बातों से उसका दिमाग खराब हो गया था। अब जासूस दिमाग तो हर चीज में सबूत ढूंढता ही है। कागज को खोलते ही अर्पिता के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो किसी रेस्टोरेंट का कंप्यूटर जनरेटेड बिल होता है, उस पर आज की डेट लिखी होती है और टाइम होता है रात के 10:30 बजे का। पर गौरव ने तो बोला कि वो ऑफिस में ही था और खाना भी उसने वहीं खाया था। झूठा मक्कार धोखेबाज। इसका मतलब इसका सच में अफेयर चल रहा है। इस बिल ने ना मेरा शक यकीन में बदल दिया है। अभी जाकर पूछती हूँ इससे। नहीं पर ये बहुत चालाक है, कोई ना कोई बहाना बना ही देगा। मुझे ना इसे रंगे हाथों ही पकड़ना होगा और इसके लिए पहले उस लड़की का पता लगाना होगा। मैं ना तुम्हारी जान ले लूंगी गौरव के बच्चे, बस एक बार वो लड़की मिल जाने दो, फिर देखना। अगले दिन ऑफिस में रिकॉर्डिंग रूम में सागरिका, ऋत्विक, राज, आलोक, अर्पिता और एक 40-45 साल की औरत बैठे हैं। सागरिका बड़े ही जोश के साथ उस औरत का इंट्रोडक्शन करवाती है। सो गाइस, मीट डॉक्टर सोनिया कपूर। ये एक बहुत ही फेमस और एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें इस फील्ड में 15 से भी ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है एंड शी इज बेस्ट इन व्हाट शी डस। कई बड़े सेलिब्रिटीज भी इनसे कंसल्ट करते हैं और आप इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इनके फॉलोअर्स देख कर ही समझ जाएंगे कि ये कितने पॉपुलर हैं। अर्पिता आलोक के कान के पास बुदबुदाती है। सागरिका की आवाज में खनक देख रहा है आज? इतना खुश तो लोग अपने घर पर बच्चा पैदा होने पर भी नहीं होते। आलोक अपनी हंसी दबाने की कोशिश करता है और दबी हुई आवाज में बोलता है, चुप रह वरना अभी ये खनक उसकी सनक में बदल जाएगी। डॉक्टर सोनिया कपूर साउथ दिल्ली के पॉश एरिया में रहने वाली सुपर सोफेस्टिकेटेड महिला है। क्लास और स्टाइल इनके चेहरे से ही झलकता है। ये उन लोगों में से है जो मॉडर्न होने के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी पकड़ कर रखते हैं। विदेश से पढ़कर जरूर आई है लेकिन साड़ी पहनना नहीं छोड़ा, बल्कि डिजाइनर कॉटन की साड़ी और माथे पर बड़ी सी बिंदी इनकी पहचान है। और बोल तो ऐसे जैसे जुबान से फूल झड़ते हैं। सागरिका अपनी स्पीच यानी सोनिया की तारीफें कंटिन्यू करती है। थैंक यू सो मच सोनिया कि आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे शो को देना एक्सेप्ट किया। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि सोनिया कई एनजीओस के साथ काम करती हैं, चाहे फिर विमेन एम्पावरमेंट हो, बच्चों की एजुकेशन हो या फिर कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ करना हो। ऐसा कुछ नहीं है जहाँ इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया है। इनकी काउंसलिंग से लोगों की लाइफ बदल जाती है। दिस वर्ल्ड एक्चुअली नीड्स पीपल लाइक हर। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग बस ऐसे ही बिना सोचे समझे अपनी ऊटपटांग एडवाइस देते हैं और खुद को एक्सपर्ट समझ लेते हैं। ऐसा कहते हुए सागरिका अर्पिता की तरफ देखती है और फिर सोनिया की तरफ देखकर कहती है, ओवर टू यू सोनिया। अर्पिता सोचती है कि सागरिका की जिंदगी का मकसद अब केवल उसे नीचा दिखाना ही रह गया है, इसलिए वो अपनी भौहों को ऊपर चढ़ाकर अपनी गर्दन को निराशा में हिलाती है। इतने हम्बल और वंडरफुल इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू सो मच सागरिका। अब मैं क्या कहूँ, बस भगवान ने जो मुझे दिया है उसे लोगों को लौटा रही हूँ। ऐसा करके मुझे बहुत सुकून मिलता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रात को चैन की नींद आती है। और ये शो करने का रीजन भी यही है कि मैं जरूरतमंदों की मदद कर पाऊंगी। एक्चुअली ये मौका देने के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आई होप दैट आई कैन डू जस्टिस विद द शो। राज ऋत्विक को फोन पर मैसेज करता है। नींद आ रही है भाई, डॉक्टर साहिबा को अवार्ड विनिंग स्पीच के लिए अवार्ड दो और रवाना करो। ऋत्विक मैसेज पढ़कर राज की तरफ देखता है और स्माइल करके थम्स अप करता है। सागरिका आलोक को चैलेंज का फॉर्मेट समझाने के लिए बोलती है। आलोक खड़ा होता है और अर्पिता और सोनिया को चैलेंज का फॉर्मेट समझाता है। सोनिया,
आप और अर्पिता कॉलर्स के ऑल्टरनेट कॉल अटेंड करेंगे। एक वीक के बाद ना हम ऑडियंस डेटा को रिव्यू करेंगे। आप दोनों का स्टाइल और अप्रोच काफी अलग है, इसलिए ऑडियंस डेटा से हम समझ पाएंगे कि कॉलर्स और ऑडियंस को कौन सी अप्रोच ज्यादा पसंद आ रही है, और यही डिसाइड करेगा कि फाइनली शो कौन होस्ट करेगा। सोनिया, फर्स्ट कॉल आप लेंगी। सागरिका सोनिया को गुड लक विश करती है और सोनिया अर्पिता को। अर्पिता सोनिया की तरफ देखकर मुस्कुराती है और बोलती है, सेम टू यू। पहला कॉलर कॉल करता है। शेयर योर सीक्रेट्स विद कोयल मल्होत्रा। सोनिया कॉल उठाती है। हेलो, मैं हूँ कोयल मल्होत्रा, बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाय कोयल, मुझे डिप्रेशन है और मैंने अपना ध्यान रखना ना छोड़ दिया है, इसलिए मेरा वेट ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मुझे कई बीमारियां होने लग गई हैं। मुझे एंजाइटी होती है, मैं इमोशनली और फिजिकली बहुत ज्यादा हॉरिबल फील करने लगी हूँ। मैं अपनी जॉब छोड़ देना चाहती हूँ और खुद को रूम में लॉक कर लेना चाहती हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं, प्लीज हेल्प। और ऐसा बोलते बोलते कॉलर रोने लगती है। अब सोनिया क्या जवाब देगी इस कॉलर को, और क्या अर्पिता सोनिया से मुकाबला कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ, ओनली ऑन पॉकेट FM।